नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वाइब है और आप देख रहे हो टेक्न इंडिया। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर दोस्तों आपको एयरटेल डीटीएच में आपको रिकॉर्डिंग करना है और आपको दूसरा चैनल देखते हुए आपको कोई भी दूसरा चैनल आप किसी से रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आप ये चैनल देख रहे हो दोस्तों, तो अगर आपको दूसरा चैनल की रिकॉर्डिंग करना है तो आप किस तरह से कर सकते हो, इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करके बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करें आज का वीडियो। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको पहले तो आपका सेट टॉप बॉक्स में एक पेन ड्राइव लगाना है। पेन ड्राइव जैसे ही लगाएंगे आप नया वाला पेन ड्राइव, तो आपको रेकआउट यूएसबी का ऑप्शन दिखेगा और प्ले फॉर्म यूएसबी का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपके पास जो अपने पेन ड्राइव में कोई भी मूवी वगैरह डाल के रखा है तो आपको वो देखना है, तो आप यहाँ पे प्ले फॉर्म यूएसबी पे आप जा सकते हो। नहीं तो आप यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग करना है तो आप रिकॉर्ड यूएसबी में जा सकते हो। तो हमें अभी रिकॉर्ड करना है तो मैं रिकॉर्ड यूएसबी में जा रहा हूँ। तो उसके बाद आपको यहाँ पे यस कर देना है दोस्तों। यस करने के बाद आपका फॉर्मेटिंग हो जाएगा यूएसबी आपका। तो फॉर्मेटिंग के लिए कुछ टाइम लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे यूएसबी रेडी हो चुका है, अभी फॉर्मेट हो चुका है ऑलरेडी पेन ड्राइव। उसके बाद अपने को क्या करना है दोस्तों, मेन्यू में जाना है। मेन्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे आपका माई लाइब्रेरी का ऑप्शन दिखेगा, उसके बाद आपको शेड्यूल का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको यहाँ पे आपको कौन सा शेड्यूल रिकॉर्डिंग करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अभी की अभी भी हमने कहाँ पे कोई भी शेड्यूल नहीं रखा, इसलिए यहाँ पे कोई शेड्यूल आपको बता नहीं रहा है। डाउनलोड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे डाउनलोड मैनेजर में भी कुछ अभी दिया नहीं है। तो अभी रिकॉर्डिंग किस तरह से करना है, तो रिकॉर्डिंग करने के लिए दोस्तों माई लाइब्रेरी में आप देख सकते हो यहाँ पे, उसके बाद रिकॉर्ड का ऑप्शन दिखेगा आपको। तो रिकॉर्ड में अभी माई लाइब्रेरी में भी कुछ भी नहीं है, तो मतलब ये अभी फिलहाल जो पेन ड्राइव है वो नया बनाया है। तो अभी इसको रिकॉर्डिंग कैसा करना है हम लोग अभी देखेंगे। तो रिकॉर्ड करने के बाद दोस्तों आप कोई भी यहाँ पे आप देख सकते हो चैनल, आप कोई भी चैनल यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे आपको जो प्रोग्राम रिकॉर्डिंग करना है दोस्तों उसका आपका शेड्यूल यहाँ पे देख सकते हो, कौन सा प्रोग्राम कब लगने वाला है। तो आप एरो से जाके आप यहाँ पे राइट साइड पे आप एरो देख सकते हो। उसके बाद अगर आपको ये प्रोग्राम अभी 1:30 बजे है ये प्रोग्राम, तो 1:30 बजे वाला प्रोग्राम आपको रिकॉर्ड करना है तो आपको रिमोट के ऊपर आपका रिकॉर्ड का बटन दिख रहा है, उस पर आपको प्रेस कर देना है दोस्तों। तो अभी देखिए हमें ये 1:30 वाला प्रोग्राम रिकॉर्ड करना है, तो अभी मैं रिकॉर्ड का बटन प्रेस कर देता हूँ। जैसे रिकॉर्ड करूँगा दोस्तों यहाँ पे रेड आ चुका है, तो ये 1:30 वाला प्रोग्राम दोस्तों आपका पेन ड्राइव में रिकॉर्ड हो जाएगा अपने आप। और उसके बाद दोस्तों आपको कोई भी दूसरा चैनल आपको लगाना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, और आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। और आपका जो दूसरा वाला आपने रिकॉर्डिंग शेड्यूल डाला है दोस्तों, वो आपका रिकॉर्डिंग जैसे ही टाइम आएगा वो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपना कोई भी दूसरा चैनल देखते हुए दोस्तों आप अपना प्रोग्राम को शेड्यूल कर सकते हो रिकॉर्डिंग का, और आप आसानी से दोस्तों आप अपना कोई भी दूसरा वाला चैनल भी आप इंजॉय कर सकते हो। तो बाकी बात करेंगे दोस्तों, तो हम लोग अभी लाइब्रेरी में जाकर देखते हैं दोस्तों, रिकॉर्डिंग का कुछ शेड्यूल यहाँ पे बनाया नहीं है। तो अभी यहाँ पे शेड्यूल का भी ऑप्शन दिख रहा है, तो शेड्यूल में जाने के बाद रिकॉर्डिंग में जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो हमने एक शेड्यूल यहाँ पे लगा चुका है दोस्तों। तो आपने इन्फो में जाके दोस्तों आपको शेड्यूल लगाना है। जैसे आप शेड्यूल लगाएंगे तो आपको यहाँ पे शेड्यूल का ऑप्शन दिखाई, शेड्यूल में लिस्ट में जाएंगे आप यहाँ पे शेड्यूल वाले। तो अब देखिए तो इस शेड्यूल में जाने के बाद, रिकॉर्डिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे आपका शेड्यूल का ऑप्शन दिखाई देगा, आपने कौन सा शेड्यूल यहाँ पे लगाया है। तो हमने 1:30 बजे का शेड्यूल लगाया दोस्तों, तो ये शेड्यूल ऑटोमेटिकली हो जाएगा रिकॉर्डिंग जैसे ही टाइमिंग आ जाएगा। तो उम्मीद करूँ दोस्तों आपको सारी जानकारी मैंने इस रिकॉर्डिंग के बारे में दी है दोस्तों। बहुत लोगों ने इसका कमेंट्स में मुझे बताया था कि आप मुझे शेड्यूल करके बताइए, और आप एक चैनल को रिकॉर्डिंग पर डालते हो दूसरा चैनल किस तरह से देख सकते हो। तो इस को आप इस तरह से इस फीचर का यूज़ करते हो दोस्तों, आप आसानी से रिकॉर्डिंग कर सकते हो कोई भी दूसरा वाला चैनल, कोई भी दूसरा प्रोग्राम देखते हुए। तो उम्मीद करूँ दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो आप वीडियो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह से और अच्छे वीडियो मैं कोशिश जरूर करूँगा। तो मैं वैभव अपने किसी नए वीडियो नेट भी साथ अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।